नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज अगर बाजार की बात करें तो बाजार में बहार फिर दिख रही है और बहारें फिर भी आएंगी वाला गाना याद आ रहा है, क्योंकि हुआ क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक नए रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स 182 पॉइंट ऊपर और निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई 18,613 छूने के बाद 18,553 पर बंद हुआ है। लेकिन इस बीच जो ज्यादा मैं बाहरें फिर भी आएंगी क्यों कह रहा हूं, वो यूं कह रहा हूं कि जो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है और जो सबसे नामी गिरामी ब्रोकरेज फर्म है, बाजार में उसका नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि दिसंबर 2023 तक, यानी अब से एक साल बाद, सेंसेक्स 80,000 पे हो सकता है। 80,000 का मतलब समझ लीजिए, सेंसेक्स आज जहां बंद हुआ है वो है 62,475, यहां से 18,000 का उछाल दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जुड़ी हुई है, इफ जो होता है किंतु परंतु लेकिन अगर, तो ये जो अगर है यहां वो क्या है, वो ये है कि अगर भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया जाए, जो दुनिया भर के बॉन्ड्स को ट्रैक करने वाले जो इंडेक्सेस, हम इंडेक्सेस बोलते हैं जो हिंदी में, लेकिन जब अंग्रेजी से ग्रामर से आइए तो इंडाइसीज कहते हैं, इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसीज। तो अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसीज में सेंसेक्स, माफ कीजिएगा, भारत के बॉन्ड शामिल हो जाते हैं, भारत शामिल हो जाता है, तो ये 80,000 का आंकड़ा बिल्कुल रियलिस्टिक दिखता है। क्यों? क्योंकि ऐसी सूरत में भारत में $20 अरब का इन्वेस्टमेंट आएगा बॉन्ड्स में, और अगर वो $20 अरब भारत में आएगा तो फिर जाहिर है कि बॉन्ड का पैसा, बॉन्ड में दूसरी जगह पैसा जा रहा है, बॉन्ड में लगाने के लिए जगह कम होगी, तो फिर लोग पैसा भारत के शेयर बाजार की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो एक अगर इन्होंने लगाया, ये अगर हल्का नहीं है, अगर बड़ा है, क्योंकि पहले ही भारत को इस बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना था, नंबर तो आ गया है, कभी भी हो सकता है। और मॉर्गन स्टैनली ने सबसे पहले इस साल की शुरुआत में ये संभावना बताई थी कि अब भारत यहाँ शामिल हो सकता है। लेकिन अभी सितंबर में एक और रिपोर्ट आई जिसमें रॉयटर्स एजेंसी के हिसाब से उनका कहना है कि भाई अभी इसमें और वक्त लग सकता है। वक्त क्यों लग सकता है? वक्त इसलिए लग रहा है कि हमारे देश के जो टैक्स स्ट्रक्चर हैं, उसको टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है उधर वालों की नज़र से, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं, इस पर टैक्स देना नहीं देना, इसकी जो गणित है वो उनको काफ़ी उलझी हुई लगती है। तो ये उलझन थोड़ी सुलझे, और दूसरा हमारे यहाँ जो बॉन्ड सेटलमेंट का रूल है, जैसे स्टॉक मार्केट में सेटलमेंट के रूल्स और बॉन्ड के सेटलमेंट के रूल्स, इनमें थोड़ा फर्क है। बॉन्ड के सेटलमेंट के रूल्स को भी वो चाहते हैं कि थोड़ा आसान हो जाएं या एक स्ट्रीमलाइन रूल बन जाएं, उसके बाद ही शायद ये उस जगह पहुंच पाएंगे। और जो बाकी फैक्टर्स हैं मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, केवल ये एक बात तो उन्होंने कही, साथ में और क्या कहा है उसमें है कि तेल का और फर्टिलाइजर का, जो कच्चा तेल है और क्योंकि फर्टिलाइजर भी वहीं से डिपेंडेंट है, तो इनके दाम तेजी से गिर रहे हैं, और अगर इनके दाम तेजी से गिरते हैं तो फिर भारत में ग्रोथ बहुत तेज होगी। और जो खास तौर पर यहां, क्यों ग्रोथ से मतलब है अर्निंग्स की ग्रोथ, जो कंपनियों की कमाई होती है उसमें कितनी तेजी आएगी, तो ये उनको आगे यहां से लेके 2025 तक हर साल 25% की बढ़त दिख रही है। 25% की बढ़त बहुत होती है हर साल, अगर ग्रोथ 25% से ज्यादा की रफ्तार से अर्निंग्स में आएगी तो जाहिर है इसका बहुत लाभ होगा। तो उनका कहना है साहब, बेस्ट जो बेस केस टारगेट है वो 68,500 है। ये है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, अब वो 2022 में निपट जाए, 23 तक ना पहुंचे, अमेरिका रिसेशन में न जाए, तो ये इस तरह के उनके आंकड़े गणित तो उन्होंने जोड़े हैं। और साथ में भारत में जो सरकार है वो थोड़ा हाथ लगाए, समर्थन दे, और रिजर्व बैंक की भी जो पॉलिसी है कि जहां वो अभी तक ब्याज बढ़ा रहे थे, अब उन्हें थोड़ा थोड़ा करके 20 ढीली करनी चाहिए और उस ब्याज बढ़ाने की पॉलिसी से वापस बढ़ना चाहिए। ये सब अगर होता है उस स्थिति में, वो अपना 80,000 और 68,500, बेस केस 68,500, बेस्ट केस 68,500 और बेस्ट केस 80,000। और उनके जो इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं भारत के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिदम देसाई,
उनकी उम्मीद यह है कि अगले 4 साल में भारत में जो अभी जीडीपी में कंपनियों के प्रॉफिट का शेयर है वो 4% है, वो बढ़कर यहां से 8% अगले 5-4 साल में हो जाना चाहिए। और इसका अर्थ यही हुआ कि बाजार में जो अर्निंग्स हैं वो 20 से 25% सालाना की रफ्तार से बढ़ेंगी, जो हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज साथ में आ रही है, उनका कहना है साहब, अगर बाजार का हाल ऐसा है कि इसमें अगर कॉमोडिटी के प्राइसेस, ये जो कच्चा तेल है बाकी दूसरी चीजें हैं कॉमोडिटी में, उनके दाम अगर बढ़ते रहे, आरबीआई ने अभी अपनी टाइटनिंग जारी रखी और अमेरिका और यूरोप रिसेशन की यानी मंदी की चपेट में आ गए, तो फिर एक वर्स्ट केस सिनेरियो यानी बेयर केस सिनेरियो भी लाए हैं वो, जहां वो कहते हैं कि फिर भारत में सेंसेक्स 52,000 तक गिर सकता है। हालांकि इसकी जो संभावना है वो 20% है, 100 में 20% संभावना इसकी है, बाकी संभावना या तो उनके बेस केस की या फिर बेस्ट केस की तरफ है। और बेस्ट केस जाने के लिए क्या क्या होना है वो साफ दिख रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंडिकेटर वो कहते हैं उसके हिसाब से अगर बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल हो गया तो फिर अपने आप एक बड़ी भारी कहिए कि नदी खुल जाएगी, वहां से भयानक रफ्तार से पैसा आना शुरू होगा और वो बाजार में लगेगा, तो फिर वो भारत को एक नई जान देगा, भारत के शेयर बाजार को कम से कम। बाकी भारत के बारे में बिल्कुल साफ साफ ये कहना ठीक नहीं है कि भारत और शेयर बाजार एक हैं, लेकिन शेयर बाजार को एक नई जान मिल सकती है। बिजरडा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।